सो है दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अगर दोस्तों आप 7 से 8 हजार की रेंज के आसपास का स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो तो इस एंटी लेवल रेंज में इतने सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि किस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। तो आज मैंने इस बजट रेंज में आपके लिए कुछ जबरदस्त स्मार्टफोन्स को सिलेक्ट किया है जहाँ आपको टॉप नॉच लेवल की स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी और अच्छा खासा प्रोसेसर और अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी और साथ ही साथ बहुत से तगड़े फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप भी 8000 की रेंज में एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं टॉप 2 स्मार्टफोन्स अंडर 8000 जो आपके लिए होने वाले हैं बेस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है रियलमी की तरफ से रियलमी C30। वैसे रियलमी के स्मार्टफोन्स अपनी मिड रेंज प्राइस, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है जो रियलमी UI Go एडिशन पर वर्क करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है जो कि 60Hz की रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इस स्मार्टफोन में आपको यूनिसोक का T612 का 4G ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है जो सपोर्ट करती है 10 वाट के मैक्स चार्जिंग स्पीड को। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरे की तो इसके बैक में आपको 8MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। इस कैमरे से आप 1080p तक 30fps से वीडियो शूट कर सकते हैं और इसके फ्रंट में भी आपको 5MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है बट आपको इसमें फेस अनलॉक, पासवर्ड अनलॉक, पैटर्न अनलॉक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो इसका 3GB रैम प्लस 32GB रोम का वेरिएंट का स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 6999 में। फाइनली बात करें हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है पोको की तरफ से पोको C31। अगर बात करें इसके स्पेक्स की तो यहाँ स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ आता है जो MIUI 12 पर वर्क करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक हेलियो G35 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इस स्मार्टफोन में आपको 6.53 इंच की HD+ इनसेल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो सपोर्ट करती है 10 वाट की चार्जिंग स्पीड को। अगर बात करें इसके कैमरे की तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 13MP का और दूसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर और तीसरा कैमरा 2MP का पोर्ट्रेट शूटर देखने को मिल जाता है। और इसके फ्रंट में भी आपको 5MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है और इस स्मार्टफोन में आपको रियर फिंगर सेंसर देखने को मिल जाता है। फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो इसका 4GB रैम प्लस 64GB रोम का स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 7749 में। सो है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।